ने पॉल्यूशन नियम चेंज किए हैं, उसमें 50वीं श्रेणी के ऊपर जितने भी ट्रैक्टर आएंगे उसमें CIDI इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फार्म ट्रैक कंपनी ने सेक्टर के काफ़ी बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव किए हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा जैसे अगर टर्निंग रेडियस कैसा रहेगा, आवाज़ कैसी है, साउंड कैसा है इंजन का, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर किया है वो इसको टॉर्क को लेके। अभी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 245 Nm का टॉर्क कंपनी प्रोवाइड करवाती है। पहले ये टॉर्क 240 और 35 के बीच में रहता था, लेकिन अभी फुली 245 Nm का टॉर्क इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अभी ये ट्रैक्टर जो है 55 HP कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। पहले ये ट्रैक्टर 55 Hp की फुल पावर के साथ में आता था, लेकिन अब जो एमिशंस नॉर्म नए आए हैं उसमें जैसा कि आपको पता है कि 50 HP कैटेगरी के ऊपर जितने भी ट्रैक्टर्स आएंगे उसमें CIDI इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी ये ट्रैक्टर 49.5 Hp की पावर के साथ में आता है, जिसमें आपको पता है कि जैसे CIDI इंजन का इस्तेमाल किया जाता है 50 HP कैटेगरी से ऊपर, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी ये ट्रैक्टर 49.5 Hp की पावर के साथ में आने लगा है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं 55 HP लिखा देखने को मिलता था, लेकिन अब 55 HP कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, यानी कैटेगरी वर्ड का यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया है। वही पावर है, वही इंजन की का इस्तेमाल इसमें किया गया है, किसी प्रकार का इंजन को लेकर बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो टॉर्क है वो बढ़ा दिया गया है, 245 Nm का टॉर्क दे दिया गया है, जो कि किसान भाइयों के लिए जो पावर की पहले कमी लगती थी थोड़ी बहुत, अब इस ट्रैक्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो इसमें 3614 cc का वही इंजन दिया गया है जो कि पहले इस ट्रैक्टर के अंदर आता था। माइक्रो बॉश कंपनी के इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आता है, 3 सिलेंडर के साथ में वर्क करता है। उसके अलावा दोस्तों जो अगला बदलाव है, अब इस ट्रैक्टर के अंदर पहले आपको 2000 इंजन रेटेड RPM पे 55 Hp की पावर देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 1850 रेटेड RPM पे 49.5 Hp की पावर देखने को मिलेगी। पहले ये ट्रैक्टर 55 Hp की फुल पावर के साथ में आता था, लेकिन अभी कैटेगरी वर्ड का यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया है। उसके अलावा डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है, वही प्रो बम्पर सामने की तरफ दिया गया है, हैलोजन बल्ब के साथ में जो हेडलाइट है वो दी गई है, DRL लाइट आपको LED लाइट दी गई है जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगती है। सिंगल हुड के साथ में इसका जो बोनेट आपको देखने को मिल जाता है जो कि फुली एरोडायनेमिक शेप के साथ में दिया गया है। फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, पावर मैक्स वेरियंट है तो ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा फ्रंट एक्सल इसमें आपको एडजस्टेबल दिया गया है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पहले EGR सिस्टम देखने को मिलता था, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन दिया जाता था, क्योंकि वो TREM3 एमिशन जो थे यानी जो BS3 जो नॉर्म्स थे उसमें 50 HP कैटेगरी के ऊपर जो सरकार ने नियम लागू किए थे, या तो उसमें आपको 50 HP श्रेणी से जो भी ट्रैक्टर आएंगे या तो उसमें आपको टर्बो यूनिट देखने को मिलती थी या फिर EGR सिस्टम देखने को मिलता था। तो अब जो एमिशंस नॉर्म नए आए हैं उसमें आपको CIDI इंजन देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों जो अगला जो मुख्य बदलाव है, पहले इस ट्रैक्टर के अंदर आपको EGR सिस्टम देखने को मिलता था, यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन देखने को मिलता था, वो भी कंपनी ने सेक्टर के अंदर हटा दिया है, वो यूनिट हटा दी गई है। क्यों हटाई है, जैसे कि आपको पता है अब ये ट्रैक्टर 49.5 HP में आता है, पहले BS3 नॉर्म्स के अंदर 50 HP कैटेगरी से ऊपर जो ट्रैक्टर आते थे उसमें या तो टर्बो दिया जाता था या फिर EGR सिस्टम दिया जाता था, तो अब ये ट्रैक्टर 49.5 HP के साथ में आता है। उसके अलावा इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो प्लेटफॉर्म है वही सिमिलर जो पहले दिया जाता था वही दिया गया है। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं रबड़ मैटिंग का यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जो कि मड वगैरह में आप ट्रैक्टर को चला रहे तो काफ़ी आसानी से इसको साफ कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं। उसके अलावा जो गियर बॉक्स यहाँ पे दिया गया है वो आपको वही 20 स्पीड का देखने को मिल जाता है, यानी नॉर्मल अगर आपको चलाना है सांडे गियर में, नॉर्मल घोड़े चाल में आपको चलाना है तो वो इसका लीवर आपको साइड में देखने को मिल जाता है, नॉर्मल हाई लो स्पीड में चलाना है तो उसका लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टोटल 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स की स्पीड के साथ में इसका गियर बॉक्स कंपनी ने दिया हुआ है, वही सिमिलर गियर बॉक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD गियर बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने जरूरत के हिसाब से चाल सेट करके आप चला सकते हैं। उसके अलावा इंजन को स्टार्ट करके अगर इंजन की साउंड की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसके जो इंजन रेटेड RPM है कैसा रिस्पॉन्स ट्रैक्टर का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। जो रिस्पॉन्स है ट्रैक्टर के इंजन का आपको क्विक देखने को मिलता है, जैसे ही मैं जो रेस वाला पेडल दबाता हूँ तो क्विक रिस्पॉन्स ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी स्मूथ इंजन है, जो खड़ाका है ट्रैक्टर के साउंड का वो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो हाइड्रोलिक से जुड़े कंट्रोल है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, वही सिमिलर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं।
तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका पेडल आपको सॉफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन का ऑयल की जो हीट है उसको रोकने के लिए यहाँ पे कोई गार्ड नहीं दिया गया है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ट्रांसपोर्ट लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में आपको देखने को मिलता था, अब इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक है आपको 2500 किलो की कैपेसिटी के साथ में देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कंपनी ने इंक्रीज़ कर दी है, बढ़ा दी है, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी जो है रहने वाली है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल एक्टिंग रिमोट वाल्व देखने को मिल जाता है। सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग में आपको चलाना है तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप चला सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में इसकी हाइड्रोलिक आपको देखने को मिल जाती है। जो टोपलिन के सेंसिंग पॉइंट है वो 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो है सेट करके चला सकते हैं। रोड की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है। उसके बाद इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक की लिंकें अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी की दी गई हैं। और जो स्टेबलाइजर है यहाँ पे, स्टेबलाइजर आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको पंप सिस्टम वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फेंडर्स में कोई बदलाव नहीं है। जो टेल लैम्प है काफ़ी सुंदर दिखने वाली LED लाइट के साथ में इसकी टेल लैम्प आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश को बना देती हैं। टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट टायर इसमें आपको 7x16 का देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो रियर टायर है 16x28 के साइज़ में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको 14x28 के साइज़ में टायर साइज का लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अभी जो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर एक वेरिएंट और भी लॉन्च किया है, जो कि 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स की स्पीड के साथ में अगर आपको लेना है, यानी हाई लो स्पीड के साथ में ट्रैक्टर लेना है, तो वो भी इस ट्रैक्टर के अंदर आप ऑप्शन जो है ख़रीद सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों टर्निंग रेडियस की बात करें तो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है, तो इसकी टर्निंग रेडियस मैं आपको बता देता हूँ कैसी है। डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है तो टर्निंग रेडियस आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। जो स्टीयरिंग व्हील का जो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग व्हील है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, क्विक रिस्पॉन्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद मीटर कंसोल में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दिया हुआ है। PTO की स्पीड आपको सिमिलरली वही देखने को मिल जाती है, उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उसके अलावा इसके PTO क्लच की बात करें तो इसमें आपको स्वतंत्र क्लच PTO देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले भी आपको सिमिलर इस वेरियंट के साथ में देखने को मिल जाता था, उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पे कंपनी ने नहीं किया है। उसके अलावा दोस्तों इस ट्रैक्टर की कीमत की अगर बात करें तो एक अनुमान मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रैक्टर की जो कीमत है आपको 8,80,000 से 9 लाख की रेंज तक इस ट्रैक्टर को आप ऑन रोड प्राइस पे खरीद सकते हैं हरियाणा के झज्जर ज़िले में। जो डीलरशिप का एड्रेस है यहाँ पे आप इनसे संपर्क करके इस ट्रैक्टर को आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों जो कीमत होती है वो डीलर टू डीलर वेरी करती है, उसके अलावा स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस के हिसाब से जो है कीमत रखी जाती है यानी लगती है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर की और भी ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है प्राइस से यानी कीमत से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है तो आप tractorjunction.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर tractorjunction.com एप्लीकेशन को भी जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।